पुराने समय में when money was not in existence, तो उस टाइम गुड्स का एक्सचेंज होता था अगेंस्ट अनदर गुड्स, या थिंग्स वर एक्सचेंज्ड अगेंस्ट अनदर थिंग्स। इस पूरे सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हैविंग मैनी लूपहोल्स इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के कई सारे ड्रॉबैक्स होने के वजह से मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हमने एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। तो जब गुड्स का आदान प्रदान होता था दूसरे गुड्स के रिटर्न में, उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को ऑपरेट करने के लिए कई सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती थी, जैसे देयर मस्ट बी डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होना चाहिए। जैसे मान लो एक पर्सन ए है और ये है दूसरा पर्सन मिस्टर बी, तो ये जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था ये टोटली डिपेंड था डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पे। यानी एट सेम मोमेंट दोनों ही पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं एक्सचेंज में, इन दोनों ही पर्सन्स के पास वो चीज या वो गुड्स होना चाहिए जो वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। एग्जांपल मान लो मिस्टर ए के पास प्लेंटी में अवेलेबल है काऊ, इनके पास 5-6 गाय हैं, इन्हें रिक्वायरमेंट है हॉर्स की, राइट। नाउ एट द सेम टाइम मिस्टर बी, इनके पास हॉर्सेस, कई सारे हॉर्सेस हैं, इनके पास 4-5 इनके पास हॉर्सेस हैं, एंड एट द सेम टाइम इन्हें रिक्वायरमेंट है काऊ की, तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का मतलब है एट द सेम टाइम बोथ द पर्सन्स हैविंग द सेम थिंग्स, वो सेम चीज है जिन्हें वो एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो ये क्या था, ये वो प्रॉब्लम था जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमें फेस करना पड़ता था। अब क्योंकि देखो यहां पे हॉर्स का जरूरत है किसे, मिस्टर ए को, और इनके पास काऊ है, तो ये आसानी से बी को हॉर्सेस दे सकते हैं और बी से काऊ इन रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस था इट वॉज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, ये सिंपल प्रोसेस नहीं था, हमें ढूंढना पड़ता था कि वो पर्सन कहां है जिसके पास एट द सेम टाइम हॉर्सेस अवेलेबल है और उसे काऊ चाहिए, ठीक है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस था। दूसरा इस सिस्टम का क्या ड्रॉबैक था, देखो दूसरा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस सिस्टम में हम किसी भी चीज का, किसी भी गुड्स का, किसी भी प्रॉपर्टी का ठीक ठीक वैल्यूएशन नहीं कर सकते थे। एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास इस समय अगर स्मार्टफोन है तो आपके स्मार्टफोन का वैल्यूएशन होगा इन टर्म्स ऑफ हॉर्सेस, व्हीट, राइस एक्सेट्रा। तो किसी भी चीज का एग्जैक्ट वैल्यूएशन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया। आज आप आसानी से मनी का इस्तेमाल करके कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, इस पर्टिकुलर गुड्स का ये वैल्यू है, राइट। तो ये सभी ड्रॉबैक्स थे जिनके वजह से मनी को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मनी, मनी क्या है, मनी इज अ मीडियम
ऑफ एक्सचेंज। जैसे इंडिया में रुपीज है, यूएसए में डॉलर है, तो व्हाट इज मनी? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज एक्सचेंज? देखो इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे, जो एक्सचेंज को डिफाइन करता है और उसके प्रोविजंस को होल्ड करता है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सेक्शन 118 से लेकर के 121 तक बात करेंगे। क्लियर? सो व्हाट इज एक्सचेंज? देखो एक्सचेंज मींस टू गिव, यानी कुछ चीज देना और दूसरे पर्सन से कोई चीज लेना इन रिटर्न ऑफ समथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। जैसे मान लो मिस्टर ए के पास प्लेंटी में अवेलेबल है काउ, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें हॉर्स चाहिए, राइट? तो ये क्या कर रहे हैं? ये इस काउ को मिस्टर बी को दे रहे हैं और इसके रिटर्न में बी से क्या ले रहे हैं? हॉर्स ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। ये क्या है? एक्सचेंज। क्लियर? आइए अब हम सेक्शन 118 को समझते हैं। सॉरी सेक्शन 118 एक्सचेंज को डिफाइन करते हुए कहता है, वेयर टू पर्सन्स, जब दो पर्सन्स म्यूचुअली क्या करते हैं? ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग। जब दो पर्सन म्यूचुअली यानी एक दूसरे के सहमति से ट्रांसफर करते हैं क्या? ओनरशिप ऑफ वन थिंग, किसी एक चीज का ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, टू गेट द ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग, उसे हम एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, नाइदर थिंग और बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, दिस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज। अब आप अपने बेर में देखो हिंदी में क्या लिखा है। देखो यहां लिखा है, जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है, या दोनों चीजें केवल धन है, वही क्या है? वही विनिमय है। यानी यहां पे यह बताया गया है कि अगर आप गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो तो टू वे ट्रांजैक्शन है, तो दूसरे पर्सन से भी आपको गुड्स मिलना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आप मनी का एक्सचेंज कर रहे हो तो दूसरे पर्सन से भी आपको मनी लेना है, राइट? दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। लेकिन मान लो आप किसी पर्सन को कोई गुड्स दे रहे हो और उसके बदले में उससे मनी ले रहे हो, तो ये जो सिस्टम है इट विल फॉर्म सेल, ये सेल का फॉर्मेशन करेगा। और सेल में आप जानते हो कि प्राइस इज पेड अगेंस्ट परचेजिंग एनी थिंग, राइट? तो देखो अगर एक्सचेंज कर रहे हो, अगर मनी का ही एक्सचेंज कर रहे हो, तो मनी इन रिटर्न ऑफ मनी, गुड्स इन रिटर्न ऑफ गुड्स, थिंग्स इन रिटर्न ऑफ थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज। इसे हम क्या कहेंगे? इसे एक्सचेंज कहेंगे। क्लियर? आगे देखो पैरा 2 ऑफ सेक्शन 118 ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन कंप्लीशन ऑफ एक्सचेंज बी मेड इन मैनर ऑफ सेल ओनली। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है एक्सचेंज का, इसे हम सेल की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे सेल में ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, पोजीशन का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज में भी ओनरशिप का ट्रांसफर होता है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। यही क्या है? यही एक्सचेंज। क्लियर? नोट देखो, एक्सचेंज में मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, या दोनों प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं। जब हम सेल को पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के बारे में बात करेंगे तो वो गवर्न होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत।
लेकिन एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है. क्लियर? नाउ देखो, सेल और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है. देखो, सेल इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड. सेल में क्या करते हो, आप अपने प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हो, किसके अगेंस्ट में, इन अगेंस्ट ऑफ प्राइस पेड, यानी मनी कंसिडरेशन होता है वहां. लेकिन एक्सचेंज में देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओवर वन प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन इन रिटर्न ऑफ गेटिंग ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज. ठीक है, ओके. अब देखो, एक चीज जो सेल और एक्सचेंज दोनों में कॉमन है वो ये है कि यहां पे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है. अगर आप एक्सचेंज में भी, से फॉर एग्जांपल, व्हाट इज एक्सचेंज, मान लो मेरे पास ये मार्कर है, राइट, और मुझे इंक की आवश्यकता है. तो मान लो आपके पास इंक है, अगर मैं इस मार्कर को आपको दे रहा हूं तो एट द सेम टाइम आपको इस मार्कर की जरूरत होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की ओर इशारा करता है. यानी एक्सचेंज इज टोटली बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. क्लियर? तो मान लो मैं आपको ये मार्कर दे रहा हूं और उसके बदले में आप मुझे इंक दे रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज. ठीक है, एक्सचेंज है. लेकिन अगर मैं आपको ये मार्कर दे रहा हूं, यानी आई एम ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ मनी या इन रिटर्न ऑफ प्राइस, ये ट्रांजैक्शन सेल होगा, ना कि एक्सचेंज होगा. क्लियर है? अब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सचेंज को पढ़ेंगे. तो एक चीज जो सेल और एक्सचेंज दोनों में कॉमन है वो ये है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है इन दोनों ही केसेस में. यानी अगर एक्सचेंज है तो ओनरशिप का ट्रांसफर होगा विदाउट एनी कंडीशन, और सेल में भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है विदाउट एनी कंडीशन. क्लियर? आइए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सचेंज को देखते हैं. द वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्सचेंज इज इट इंक्लूड्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन प्रॉपर्टी, और वो जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, इन रिटर्न ऑफ अनदर प्रॉपर्टी. यानी एक प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, कि ओनरशिप को हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे पर्सन को ताकि हम किसी दूसरे प्रॉपर्टी के ओनरशिप को एक्वायर कर सके. ये क्या है? एक्सचेंज है. दूसरा, प्रॉपर्टी नीड नॉट टू बी इमूवेबल. एक्सचेंज में जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल ही हो, वो मूवेबल भी हो सकता है. तीसरा, एक्सचेंज इंक्लूड्स बार्टर सिस्टम. एक्सचेंज बार्टर सिस्टम को इंक्लूड करता है, जैसे मनी अगेंस्ट मनी, गुड्स अगेंस्ट गुड्स, थिंग्स अगेंस्ट थिंग्स. यही तीनों मिलकर के एक्सचेंज का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? नाउ फोर्थ क्या है? इन एक्सचेंज नो प्राइस इज पेड. एक्सचेंज में हम कोई प्राइस नहीं पेड करते हैं. अगर हम किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं विथ कंसिडरेशन तो वो सेल हो जाएगा. इफ अ पर्सन इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन विदाउट कंसिडरेशन,
बिना कंसिडरेशन के तो वो गिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो एक्सचेंज में हम नो प्राइस इज पेड टू गेट ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। लास्ट क्या है, एन एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूड 100 rupees और मोर बी मेड थ्रू रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ओनली। अगर आप एक ऐसे प्रॉपर्टी को एक्सचेंज कर रहे हो जिसका वैल्यूएशन 100 rupees या उससे ज्यादा का है, तो एक्सचेंज विल बी मेड थ्रू रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही होगा। क्लियर। आप देखो, प्रॉपर्टी नीड नॉट बी इमूवेबल, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है एक्सचेंज का, दैट इज प्रॉपर्टी, वो मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। जैसे इन एक्सचेंज ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनरशिप को हम एक्सचेंज कर सकते हैं इन रिटर्न ऑफ गेटिंग ओनरशिप ऑफ अनदर मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर। दूसरा, ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी एक्सचेंज्ड अगेंस्ट ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस ओनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज्ड हो सकता है अगेंस्ट ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस मनी, यानी ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ कंसिडरेशन। तो ये पूरा स्कोप दिखाता है एक्सचेंज का, जो एक्सचेंज है उसका कंसेप्ट वर्जन है, जिसे सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसे हमने अभी समझा एकदम सिंपल मैनर में। तो आई होप कि सेक्शन 118 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।